मैं आभारी हूं आपका देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने देश के क्षेत्रीय असंतुलन रीजनल इम्बेलेंसेज को दूर करने के लिए नीति आयोग के द्वारा देश के 115 जनपद ऐसे जो हेल्थ के, एजुकेशन के या और अन्य पैरामीटर पे या इंडिकेटर्स पे पीछे थे, उन पिछड़े जनपदों को एक आकांक्षा जनपद के रूप में 115 जनपद देश के सभी राज्यों 28 राज्यों में चिन्हित किए गए और आज उन जनपद में भारत सरकार के द्वारा भी एक एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का नोडल ऑफिसर है और उस जिलों में जो आकांक्षा जनपद के हैं कि वो देश के मेन स्ट्रीम में या अन्य जनपदों की तुलना में आए। आज सिद्धार्थनगर में हमारे यहाँ आज भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू टोटल एस्टिमेटेड डिलीवरी 39.8% है, स्टैंडर्ड चिल्ड्रन 62.7% है, एलिमेंट्री स्कूल कंप्लाइंग विद आरटी स्पेसिफाइड पीपल टीचर 55% है, यूथ सर्टिफाइड इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग 0.02% है, ग्राम पंचायत इंटरनेट कनेक्शन 40.87% है, चिल्ड्रन परफॉर्मिंग ऑप्टिमली इन मैथमेटिक्स इन क्लास 17.12% है, चिल्ड्रन परफॉर्मिंग इन लैंग्वेज इन 11.61% है, प्रेग्नेंट वोमेन रिसीविंग 4 और मोर एंटीनेटल केयर चेकअप्स ओनली 15% है। तो आज देश की इनको मुख्यधारा में लाने के लिए केवल आपके माध्यम से सरकार आग्रह है कि ये ऑन गोइंग जो स्कीम्स हैं वही उन जनपदों में चल रही। जब तक इन जनपदों को अगर कुछ स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, जैसे आज सिद्धार्थनगर जो मेरा उत्तर प्रदेश का है, बलरामपुर श्रावस्ती, ये आकांक्षा जनपद है, कोई उद्योग नहीं, उद्योग शून्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं केन एरिया है गन्ने का, तो कोई ना कोई उद्योग स्थापित किया जाए जिससे कि हम उसको देश की मुख्यधारा में ला सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।